माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। दास्तान मेरे प्यार की बस एक हस्ती के गिर्द घूमती है। प्यार जन्नत से इसलिए है मुझे, वो मेरे माँ के कदम चूमे हैं। माँ की जरूरत हमेशा रहती है, इंसान चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए। हालात बुरे थे मगर रखती थी नवाब बनाकर, हम गरीब थे ये सिर्फ मेरी माँ जानती थी। ये कहकर मैं फरिश्तों से जन्नत में चला जाऊंगा, मैं अपनी माँ के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ। ये जो माएँ होती हैं ना, ये जिंदगी होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं नमाज में अल्लाह के हजूर खड़ा होता, माँ आवाज देती और मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अजमत क्या होती है। माँ मौत से नहीं डरती, इसे मरते वक्त सिर्फ ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चे को उस जितना प्यार कोई नहीं करेगा। मेरे अमाल ऐसे हैं, मैं कब का मर गया होता, मुझे ये जिंदगी दी है मेरी माँ की दुआओं ने। माँ सच कहा करती थी कि फिक्रे इंसान को बूढ़ा कर देती हैं। वो घर जन्नत है जिसमें माँ है। अल्लाह पाक सबकी माँ को सलामत रखे, आमीन। मेरी माँ कभी वो रूठ जाती है, कभी वो प्यार करती है, मोहब्बत इस तरह मुझको हजारों बार करती है। सुलाकर गोद में अपना उड़ाती है मुझे आंचल, वो मेरी माँ है जो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। माँ के बगैर घर हमेशा वीरान नजर आता है। माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है कि आंखें सोने से लाल हैं या रोने से। मुझे मेरी माँ ने बस एक ही बात समझाई थी कि बेटा कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, नसीब से नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहले जहां सुनो वो मेरी माँ की जात है। हर मुश्किल आसान होती है जब तक जिंदा माँ होती है।